सुबह से शुरू हुई झमाझम बारिश ने नगर निगम प्रशासन के दावों की पोल खोल दी, जिसमें बरसात से पहले नगर के भीतर व बाहरी नालों में सफाई के भरपूर दावे किए थे। अंबाला में रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण सिल्ट से अटे पड़े नालों का पानी ऊपर तक आ रहा है। निगम प्रशासन ने बारिश से पहले जो कूड़ा निकाला था उसे 3 दिन बाद भी उठाने की जहमत नहीं उठाई, जिससे बदबू व मच्छर की भरमार से बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। बुरा हाल है, सफाई होंगी नहीं है, गट्टा लगे आते हैं, दौड़ जाते हैं, हरते दौड़ जाते हैं, तो ताकि सारे मकान का असर हो जाता है, पानी सारा घर बढ़ता है। निगम कोई नहीं सोचता है कि मतलब कि कार्रवाई की जाए। पहली बरसात होना चाहिए, हालत होर बरसात पाई। प्रदीप शर्मा, सैनिटरी इंस्पेक्टर, साथ ही साथ टीमें लगाई हुई नालों के ऊपर, जो चल रहा अच्छा चल रहा है सफाई का काम सारे शहर के अंदर। उससे पहले लगाई हुई है, टोटली नालों की सफाई की जा रही है अच्छी तरह से, ऐसी कोई बात नहीं। उसको साथ साथ उठा देते हैं, वो उठवा देते हैं साथ ही साथ। बरसात का पानी क्या है? बरसातों का पानी ऐसी कोई अभी तक समस्या नहीं आई है, जो है रेगुलरली काम चल रहा है। बुरा निकलना मुश्किल होता है, अब सवेर से अब जा रहा हूँ काम पर, बहुत बुरा है। अभी बारिश का तो यही हाल है, अगर 5-6 बारिश और होगी तो फिर तो आप अंदाजा लगाओ क्या बनेगा। और कई साल से ऐसे है, बड़ा 3 दिन हो गए हैं, उठाते तो नहीं। अंबाला से BS गुलियानी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।